हेलो, कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो अभी हमारा बन रहा है नाश्ता। नाश्ता क्या, बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए बन रहा है। सुबह सुबह ना उनके लिए बनाओ ना, तो ऐसा लगता है खा लो। वैसे वो रोटी ले जाती है, काव्या ने बोली है आज स्पेशल कि मम्मी मैं पोहा ले जाऊंगी। तो मैंने बोली चलो ठीक है, जल्दी बन जाता है। और दादू को मैं अधिकतर रोटी ही देती हूँ, शनिवार के दिन ही कुछ दूंगी ऐसा, या फिर दे भी देती हूँ तो फिर घर से खिला के भेजती हूँ उसको, रोटी दूध रोटी तो ना ठीक रहता है। वो 2 बजे तक आता है तो उसको भाई भूख भी लग जाती है। देखो पोहा हमारा रेडी है, शक्कर वाला, मीठा अच्छा लगता है। क्या कर रही हो? हैं? और ये क्या लाई हो? ये लगा के जाएगी? ये भी लाई है रबर, ये क्लिप लाई है। अब इतने छोटे से बाल में काबे भी ये लगा के जाएगी क्या? ये सब कौन कौन लगाएगा? मैं तो नहीं लगाऊंगी भाई। कौन लगा देगा? अपने से लगा लेगी? और ये देखो काव्य के स्कूल में था राखी वाला जो कुछ कार्यक्रम था ना, तो घर से राखी बना के ले जाना था, तो मैंने उसके लिए चावल और माचिस की जो तिली होती है ना उससे बनाई हूँ। और ये मौली धागा है तो इसमें मैंने पुरानी राखी के स्टोन भी लगा दिए। काफ़ी अच्छी लग रही है ये राखी ना देखने में, मुझे तो अच्छी लगी, आपको कैसी लगी बताना। क्लिप लगा ली है बेटा, ये तेरे बाल ना बहुत छोटे, घिसर जाएगा, गिर जाएगा बेटा, जब थोड़े और बड़े होंगे तब लगाना। हाँ थोड़े से, अब नहीं कटवाएंगे, कभी नहीं कटवाएंगे। नहीं तो जाने दे, फिर गिरेगा तो वो आपको क्या करना है? हाँ फिर थोड़े ना दूसरा मिलेगा, गिरेगा तो गिरने दो, ऐसे लगाते हैं। और आज दादू स्कूल नहीं गया है, काव्या भर गई है, तो अभी हम लोग को जाना है हॉस्पिटल। और अभी पहले तो मैं घर की साफ सफाई करूंगी, बहुत गंदा हो गया है। कैसे प्यारी है ये छोटी सी बच्ची, जिद्दी है, देख कपड़े नहीं पहन रही, रो रही है। रोते नहीं ना, गंदे बच्चे रोते हैं ना। मैं तो रोता ना, तू मत परेशान करे, नहीं तो वो गंदी बच्ची बन जाएगी। वो रोती है तो गंदे बच्चे रोते हैं, तू तो गंदी बच्ची है ही। लो लो, दोनों मैं पकड़ूंगा। लो आई, हाँ आई आई, थोड़ा दूर से ले, दूर से। बारे, बारे। आप देख रही हो, वो नहीं दिख रही। हाँ। काली काली, हाँ। अरे हटाना है तो बैक कैमरा से ले रहा हूँ। तो इन्फेक्शन हो जाता है ना बेटा बच्चों को। अरे रे रे, इसका डर लग रहा है। कावे तो बैठ जाएगी, इसका डर लग रहा है। कहाँ बैठ जाएगी? कावे देखो, मम्मी मैं पकड़ूंगा ना। अभी रुक जा, अभी रुक जा, देख चाची के घर जा रहे हैं। तो कितनी सी आंखें वैसे बटन क्यों दिया होगा? उसका पानी गर्म करने के लिए। रुको रुको, उसका मुंह दिखा। कुछ भी बोलती हो, वाह बाबा, कुछ भी। प्यारी है। कहाँ ले जा रहा है बेटा तू? और वापस आते आते हॉस्पिटल से हम गए पोस्ट ऑफिस, क्योंकि वहाँ पे ना हमको लाट पटानी थी। तो ये देखो हमारे नाम की सील लगी है,
सील और साइन। तो ये जो पोस्ट ऑफिस का है ना, लेडीज़ के नाम पे ही मिलता है इसका एजेंटशिप, तो उसके लाट पटाने गई थी मैं, सुबह ही जमा कर दी थी जाने से पहले, हॉस्पिटल जाने से पहले, तो फिर अभी ले आई। और ये हमारा गेट है नीचे का, और इतनी गंदी सीढ़ी हो गई ना, मैं क्या बताऊँ। और हम लोग ना हॉस्पिटल से आके नहा वहा के फ्रेश हो गए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जाओ ना तो नहाओ नहीं तो अच्छा नहीं लगता ना, एकदम ऐसा हॉस्पिटल के नाम से ही मुझे एकदम अजीब सा लगता है। तो वो हमारे साथ यहीं पे रहते हैं, तो उनकी बेबी हुई है छोटी सी, तो दादू एक दिन तो हम जाके मिल लिए थे, फिर दादू बोला कि मम्मी मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है, तो मैं बोली चलो। तो काव्या को उधर के उधर ही ले गई मैं उसको दिखाने के लिए, काव्या भी नहीं देखी थी ना, तो दोनों देख ली और इतना जिद कर रहे हैं भाई उसको पकड़ने के लिए। पता है दादू काव्या को ना बच्चों से बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा, तो वो खिलाए हैं थोड़ी देर, फिर हम लोग आ गए हैं। तो ये इनके साथ में ड्यूटी करते हैं ना, उनकी बेबी है छोटी। तो अभी ना खाना पीना करके दोनों भाई बहन अपना आराम कर रहे हैं, और मैंने बोली कि चलो थोड़ी देर वीडियो में भी आ जाते हैं। 2 बज गए हैं अभी, दादू के पापा के आने का भी टाइम हो गया है ना, इसलिए भी मैंने सोती हूँ, क्योंकि वो आते हैं फिर दरवाज़ा खटखटाते हैं, फिर एकदम नींद में उठो ना तो फिर ना खाना देने की इच्छा होती, ना खाना खाने की इच्छा होती है। बताएं ये देखो कितना गंदा दिख रहा है ना ये दीवार, हमारा घर भी ऐसे ही गंदा हो गया एकदम। हम लोग को क्या था ना, हम लोग सोच रहे हैं बी टाइप मिल जाए, बी टाइप मिल जाए, इस चक्कर में हम लोग घर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, नहीं तो इतना गंदा घर हमारा कभी नहीं रहा बाबा। हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं, हम लोग अपना घर खुद ही साफ अच्छे से कर लेते हैं। देखो अब तो हम लोग सोच रहे हैं ना कि अब दिवाली आने से पहले पहले हम लोग कर ले, फिर मिले या ना मिले हमको लेना देना नहीं है, इतना भी छोटा नहीं भाई, इतना भी इतने भी बड़े घर में रहने के लिए लोग तरसते हैं, कई जगह ऐसा है ना, इतना भी इतना बड़ा घर का भी रेंट इतना रहता है कि कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे ना, मुझे भी नींद आ रही पर मैं सोऊंगी नहीं, 5:30 बजे से उठो ना तो नींद आने लगती है, पता है। और ये बन गई हमारी ब्लैक चाय, ये वाली चाय दादू के पापा पीते हैं ना, उनके लिए है, वो बिना अदरक वदरक की चाय पीते हैं, कुछ नहीं रहता, शक्कर और चाय पत्ती ही रहती है बस। और दोपहर के खाने के बर्तन, चाय के बर्तन सारे मेरे साफ हो गए हैं, किचन भी साफ हो गया है, चाय मेरी बन गई है। मम्मी, बताया आपने मैं खाना, मम्मी ने खाना नहीं दिया, इसलिए अपने हाथ से सॉस और रोटी निकाल ली बेटी, अच्छा करी बेटी, गुड गर्ल। साहब जल्दी जल्दी करो, क्या कर रहे हो? फाइटर प्लेन बना रहा है। अम्मी, बताए वो गाय ना, बताओ कैसे वाली? वो जा रही थी ना तो प्लेन को खिलाया और वो नीचे गिर गई। चलाओ दादू, उड़ाओ।